सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूँ जो कि आईटीआई के बच्चों के लिए और आईटीआई कॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो न्यूज़ यह है कि जिन बच्चों ने अगस्त 2020 में एडमिशन लिया था, अगर उन बच्चों के द्वारा ट्रेनिंग वेरिफिकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और कॉलेज द्वारा उन बच्चों का फोटो अपलोड या अप्रूवल अभी तक नहीं हुआ है, डाटा अप्रूवल अभी तक नहीं हुआ, या उनके बच्चों का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो उनके लिए डीजीटी द्वारा एक शेड्यूल जारी किया गया है। उनको एक और मौका दिया गया है कि वो अपने बच्चों का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ले, जिनका फ़ोटो छूटा हुआ है फ़ोटो अपलोड कर ले, या डाटा अप्रूव करने के लिए अभी तक भूल गए थे, फॉरगेट कर गए थे, तो वो अपना ट्रेनिंग बच्चों का डाटा अप्रूव कर लें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं डीजीटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि भाई डीजीटी ने क्या नया शेड्यूल जारी किया है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा NCVT MIS की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब आप खोलेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ आप आ जाइए न्यूज़ एंड अपडेट्स के कॉलम में। यहाँ पे जो सबसे पहला लिंक है, शेड्यूल फॉर ट्रेनिंग वेरिफिकेशन लिंक, इसको डाउनलोड आपको कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो ये देखिए, जो नोटिफिकेशन डीजीटी द्वारा जारी किया गया है, 30 जुलाई 2021 को जारी किया गया है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, अप्रूवल कर सकते हैं NCVT MIS पोर्टल पे, और किन बच्चों का कर सकते हैं, जिन्होंने सेशन अगस्त 2020 में एडमिशन लिया हुआ था। तो सीधे हम शेड्यूल पर चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। एक्टिविटी मैंने आपको बता दिया क्या क्या एक्टिविटी करनी है आईटीआई के द्वारा या बच्चों के द्वारा, और एक्शन आईटीआई के द्वारा लिया जाना है, और टाइम पीरियड इनको दिया गया है मात्र 2 अगस्त 2021 से 11 अगस्त 2021 के बीच में। इसी टाइम पीरियड में सभी आईटीआई कॉलेजों को और बच्चों को अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन, फोटो अपलोडिंग और डाटा अप्रूव कर देना है। कौन सा स्टेक होल्डर को क्या क्या काम करना है, आईटीआई कैन अपलोड क्या क्या कर सकते हैं, आईटीआई फोटो अपलोड कर सकते हैं बच्चों का, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कर सकते हैं, अप्रूवल कर सकते हैं, और वंस डाटा अप्रूव्ड फर्दर करेक्शन नॉट अलाउड, मतलब कि करेक्शन भी कर सकते हैं। किस किस में करेक्शन हो सकता है, यहाँ देख लीजिए, एडिटिंग अलाउड जो है, नेम, फादर नेम, मदर नेम एंड फोटो, मैक्सिमम 2 फील्ड्स, मान के चलिए 4 फील्ड्स में आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके चारों में करेक्शन है तो आप नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 फील्ड में आप कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, और वो भी अप टू 3 कैरेक्टर, 3 अल्फाबेट ही चेंज हो पाएंगे। उससे ज़्यादा आप करेक्शन अगर करते हैं तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो करेक्शन नहीं हो पाएगा, और डाटा जब आप अप्रूव कर देंगे ट्रेनी का, उसके बाद कोई करेक्शन अलाउड नहीं है। ये आपको ट्रेनी वेरिफिकेशन जब करेंगे उसी समय डाटा आपको करेक्शन करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मुझे लगा आप लोग को बता देनी चाहिए। काफ़ी आईटीआई कॉलेजों का ट्रेनी वेरिफिकेशन और फोटो अपलोडिंग और अप्रूवल छूटा हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।